आको वाहिये से 8 नवंबर ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। विमुद्राकरण और प्रथम वर्ष पूर्ति पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। कला दिवस पालन और संकल्प विरोधी 2016 सनर 8 नवंबर निशा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पड़ा आहिसिल खे भयानक घोषणा रातिर भितरते असल हब 500 आरु 2000 टकिया। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 रुपये 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। सरकार और एक सिद्धांत फलत आहुकाल सम्मुखीन है कोटि कोटि देशवासी। एटीएम सम्मुख 2000 टकार 24 घंटा हारी पाती रही थकलगा बहुलोक মৃত্যুর মুখত পৰিছিল শতাধিক ব্যক্তি। বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হয় দেশৰ অৰ্থনীতি। হ্ৰাস পালে জিডিপিও। দেশক এই ক্ষতিৰ সন্মুখীন কৰোৱা বিমুদ্ৰাকৰণৰ সিদ্ধান্তৰ প্ৰতিবাদ হিচাপে প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তিৰ দিনটো কলা দিৱস ৰূপে পালনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বিৰোধী দলে। নোটবন্দী কে বকত কহা গিয়া থা কি ব্লেক মানি ৱাপস আয়েগী, कहा गया था कि फेक करेंसी थी, कहा था तो मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी वो फेक करेंसी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो तमाम बातें गलत साबित हुई। विपक्ष मजबूर हो गया है इस दिन को, इस दिवस को 8 तारीख को अपने अपने स्टेटों में ब्लैक डे के नाम से अपने अपने तरीके से इसको मनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, असम टॉक्स।